पानीपत पहुंची नौहिंसा की आग, शरारती तत्वों ने मचाया उत्पाद, दुकान और गाड़ियों को बनाया निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब अन्य कई जिलों से भी तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच गुरुवार को पानीपत में शरारती तत्वों ने जमकर के उत्पाद मचाया। पानीपत शहर के धमेजा कॉलोनी में रहने वाले अभिषेक धमेजा की नूह में हुई हिंसा के दौरान मौत हो गई थी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जिससे पानीपत में तनाव बना हुआ है। गुरुवार रात को 9 बजे के करीब शरारती तत्वों ने अभिषेक के घर के पास एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यक्ति के चिकन कॉर्नर पर पथराव कर दिया। शरारती तत्वों ने वहां खड़ी दो गाड़ियों पर पत्थर और डंडे भी बरसाए। आपको बता दें धमेजा कॉलोनी में युवकों ने उत्पाद मचाते हुए धार्मिक नारे भी लगाए। पानीपत में अभिषेक की हत्या के बाद से ही हलचल बनी हुई है, जिसकी वजह से प्रशासन पहले से ही सतर्क है। प्रशासन की सूझबूझ से कोई बड़ी हिंसा नहीं हो पाई, युवक तोड़फोड़ कर फरार हो गए हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए स्थिति, लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और जिसके बाद पुलिस के पहुंचने से पहले ही उत्पाद मचा कर युवक वहां से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। DCP सुरेश कुमार ने बताया कि इलाके में अब कोई तनाव नहीं है, स्थिति सामान्य है। DCP सुरेश कुमार ने कहा कि ये धार्मिक शरारती तत्वों की हरकत हो सकती है, उत्पाद मचाने वाले युवकों को जल्द पहचान कर ली जाएगी और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी और शहरवासी बेफिक्र रहें, क्योंकि पुलिस मुस्तैद है। फिलहाल अभिषेक के घर के आसपास पुलिस जवान तैनात किए गए हैं, वहीं एरिया को भी सील कर दिया गया है। लोगों की जांच पड़ताल के बाद ही इन इलाके में जाने की अनुमति दी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री प्रेम शंकर और क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुकेश खंडवाल नौहिंसा के दौरान मारे गए अभिषेक के परिजनों से मिले। आपको बता दें अभिषेक के परिवार ने उनसे अपने बेटे के हत्यारों को गिरफ्तार कर न्याय दिलाने की मांग की है।